जी के टॉप 5 प्रोमो एक साथ, आपके फेवरेट सीरियल की रोजाना अपडेट्स, टेलीकास्ट से पहले टिक टीवी पर। मिलेंगे यहीं 11:30 बजे। स्टे ट्यून्ड विद टिक टीवी। हे वेलकम बैक इन टॉप 5। नंबर 1 से शुरुआत करते हैं सीरियल भाग्य लक्ष्मी के साथ। नए ट्रैक की कहानी में आप सब देखेंगे आज रात के एपिसोड में किस तरीके से ऋषि जो है अब लक्ष्मी को पागलखाने से भगाने वाला है। लेकिन इसी के साथ लक्ष्मी जो अपनी याददाश्त खो चुकी है, दिमाग बच्चे वाला हो चुका है, ऐसे में बता दें कि लक्ष्मी अब ऋषि के पास से भी भागने वाली है। यानी कि लक्ष्मी को ऋषि आयुष शालुवानी जैसे तैसे मेंटल असाइलम से बाहर लेकर आएंगे, लेकिन उसके बाद लक्ष्मी फिर से गायब हो जाएगी। और अब बता दें कि सुनसान रोड पर लक्ष्मी पहुंचेगी और सामने से तेज रफ्तार में मलिष्का की गाड़ी आ रही होगी। ऐसे में बता दें कि आज रात के एपिसोड में मलिष्का फिर से बड़ी चाल चलने वाली है, किस तरीके से अपनी गाड़ी से लक्ष्मी को उड़ाने वाली है। ऋषि कामयाब तो हुआ यहाँ पर लक्ष्मी को बचाने में, लेकिन मलिष्का ने फिर से बड़ी चाल चल दी और अब लक्ष्मी फिर से आखिरी सांसों पर पहुंचेगी। लक्ष्मी का एक्सीडेंट होगा, मलिष्का उसे गाड़ी से उड़ाकर काफी दूर निकल जाएगी। कैसे में ऋषि जंगलों में पड़ी लक्ष्मी की बॉडी को ढूंढ पाएगा, आज रात के एपिसोड में देखना दिलचस्प रहेगा। सीरियल कुंडली भाग्य के आज रात के एपिसोड में शौर्य के हाथ लगने वाली है करण प्रीता की शादी की तस्वीर। अब करण प्रीता ऐसे में पति पत्नी है, ये सच शौर्य के सामने खुलेगा, जिसके बाद यहाँ पर रोके में फिर से बड़ा तमाशा होगा। पहला तमाशा आज रात के एपिसोड में होगा कि पलकी शौर्य पर हाथ उठाएगी और उससे कहेगी कि तुम्हें इतनी अक्कल नहीं है कि तुम्हारा यहाँ पर शनाया के साथ रोका हो रहा है और तुम ऐसे में मजाक मस्ती कर रहे हो। जिसके बाद शौर्य कहेगा कि ये प्रपोजल मजाक मस्ती नहीं था, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और अब तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। जैसे तैसे ये बात टलेगी तो दूसरा सच शौर्य के हाथ आज रात के एपिसोड में लगेगा कि उसे अपनी ही अलमारी से एक तस्वीर मिलने वाली है जो करण प्रीता के फेरों के टाइम की होगी। तो ऐसे में बड़ा सच खुलेगा आज रात शौर्य के सामने। क्या घर वाले बता पाएंगे कि प्रीता ही शौर्य की असल माँ है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। सीरियल कुमकुम भाग्य के आज रात के एपिसोड में आप सब देखेंगे कि कैसे शो की कहानी में सबसे बड़ा ट्रैक जुड़ेगा। आरवी जो है पूर्वी की इज्जत को बचाता हुआ दिखेगा। बता दें कि आज रात का एपिसोड काफी खास होगा, यहां पर फैंस देखेंगे कि कैसे आरवी पूर्वी चेंजिंग रूम में फंस चुके हैं, बाहर आशुतोष उसकी माँ और आरवी की माँ खड़ी है। ऐसे में बता दें कि यहाँ पर आरवी की माँ बोलने वाली है कि अंदर मेरा बेटा है, तो वहीं आशुतोष की माँ कहने वाली है कि अंदर मेरी होने वाली बहू है। जिसके बाद दरवाजा खटखटाया जाएगा, उसे खुलवाया जाएगा तो अंदर से आरवी और पूर्वी निकलेंगे। ऐसे में बता दें कि आरवी की माँ अब बहुत ज्यादा गुस्से में आने वाली है कि ये लड़की आरवी के साथ चेंजिंग रूम में क्या कर रही थी। आरवी किस तरीके से अब सबको यहाँ पर साबित करेगा कि उसके और पूर्वी के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, दोनों जो है एक गलती से अंदर फंसे थे और गेट लॉक हो गया था। किस तरीके से पूर्वी के करेक्टर पर उठने वाले सवालों को अब आरवी जो है यहाँ पर उधेड़ता हुआ दिखेगा, आज रात के एपिसोड में देखना दिलचस्प रहेगा। सीरियल राधा मोहन के अब अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर गुरुमा का असली चेहरा रिवील होने वाला है, सच आने वाला है सामने कि जो कादंबरी है वो असली गुरुमा है। ये सबसे बड़ा खेल शुरू हुआ था सीरियल के पहले एपिसोड के साथ, यानी कि कोई गुरुमा है जो तुलसी की आत्मा को काबू करना चाहती है। लेकिन अब फाइनली दामिनी इस गुरुमा को फिर से बुलाने वाली है और कहने वाली है कि तुलसी की आत्मा को कंट्रोल करो, उसे कैद करो। तो ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या सच में कादंबरी गुरुमा है, आज फेस रिवील होगा। यहाँ पर बड़ी अपडेट यही सामने आई है कि कादंबरी ही गुरुमा है, तो देखना दिलचस्प रहेगा राधा के सामने ये सच कैसे और कब खुलेगा। सीरियल रब से है दुआ के आज रात के एपिसोड में आप सब देखेंगे कि कैसे यहाँ पर दुआ एक बार फिर से हीना की पागलपंतियों को समझने वाली है, हीना की मेंटल कंडीशन को समझने वाली है। हीना फिर से जिसे याददाश्त का दौरा पड़ा है उसे फिर से दुआ पर हाथ उठाया, गजल को घर के अंदर बुलाया, लेके फिर से कहानी बदलेगी और आप सब देखेंगे कि कैसे हीना ही यहाँ पर सबसे बड़ा राज खोलेगी, फिर से उसका दिमाग चकराएगा और उसके बाद वो गजल पर लालचन लगाना शुरू कर देगी। घर वाले समझ गए हैं कि हीना की जो मेंटल कंडीशन है
वो बिल्कुल ठीक नहीं है, कभी दुआ पर एग्जाम तो कभी गजल पर। तो आज रात सबसे बड़ा फैसला हैदर की तरफ से लिया जाएगा, गजल को पूरी तरह से घर से निकालने का, बेनकाब करने का, और इसी बीच हिना फिर से दुआ को सपोर्ट करती दिखेगी और गजल के खिलाफ बोलती दिखेगी। आज रात का एपिसोड सबसे बड़ा होगा, कैसे यहाँ पर हिना सच को रख पाएगी सामने, या हिना को पागल समझकर यहाँ पर उसकी बातों को इग्नोर कर दिया जाएगा। आज रात के एपिसोड में देखना दिलचस्प।